नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास नाइन्थ का गणित का वर्कशीट संख्या 75 लेकर के उपस्थित हैं, जो दिनांक 24 जनवरी 2022 के लिए है। हम आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सीखेंगे, जो चैप्टर नंबर आपके बुक में चैप्टर नंबर 13 के रूप में है। बच्चों, आप द्विमितीय आकृतियां जिसमें लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होता है उसके बारे में जानते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग, त्रिभुज या वृत्त, इस सब के बारे में जानते हैं। ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई और गहराई, ऊंचाई या गहराई भी हो, तो यानी तीन हो जाए, जिसमें तीन मापन हो जाए, तो उसे हम त्रिमितीय आकृति कहते हैं। द्विमितीय आकृतियों को त्रिमितीय आकृति के फलक के रूप में देखा जा सकता है। जब आप त्रिमितीय आकृति का एक फलक देखेंगे तो द्विमितीय आकृति यानी टू डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात होगी, तो उस तरह देख सकते हैं। कुछ आकृतियां जिसमें दो या दो से अधिक समरूप फलक होते हैं या सर्वांगसम फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिमितीय आकृति के बारे में जाने। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला आपके सामने दिया हुआ है एक टूथपेस्ट का खाली डिब्बे के सभी फलक के आकार को ध्यान से देखिए। इसके सभी फलक आयताकार और फलक सर्वांगसम होते हैं, यानी इसका ये फलक जो होता है आयत की तरह है, ऊपर वाला भी आयत है, सारे फलक आयताकार है, और साथ ही जितना लंबाई चौड़ाई यानी जैसा ये होगा वैसे ही इसके पीछे वाला भी ऐसे ही होगा। ये जैसा ऊपर वाला होगा वैसे ही ये नीचे वाला होगा, जैसे इस साइड होगा वैसे इस साइड होगा, यानी सर्वांगसम फलक है। तो इसे हम घन के रूप में, घनाव कहते हैं इसको, घनाव जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई के रूप में होता है। तो इसमें कुल 6 फलक होते हैं। यदि डब्बे के सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हो, यानी सारे फलक जितनी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई, यानी सारे फलक एक जैसा होगा जैसे ये है, तो वो कहलाता है घन। इसमें आपने देखा होगा कुल 6 फलक होता है, जैसे घनाभ में भी एक एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा सामने वाला और छठा ये पीछे वाला। इसी तरह डाइस में भी, मतलब घन में भी 6 फलक होते हैं, जिसके सभी फलक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसे होते हैं और सभी फलक सर्वांगसम होते हैं, जैसे ये और ये सर्वांगसम है। तो इस आकृति को घन कहते हैं, यानी इसमें जो है कुल, आपने डाइस देखा होगा तो डाइस में एक से लेकर 6 तक लिखे होते, तो 6 फलक सब फलक पे अलग अलग लिखा होता है, सबकी एक जैसी आकृतियां होती है, ऊपर में वर्गाकार आकृति होती है, तो वो आप जानते हैं जो कि उसको घन कहते, क्यूब कहते हैं। अब पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए, इसका एक पृष्ठ जो होता है ये वक्र पृष्ठ है और वक्र है, और मतलब ये बीच वाला हिस्सा, और ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला पेंदी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वृत्त की तरह है, वृत्ताकार है। तो ये 3 फलक इसमें हो गए, एक तो ऊपर वाला, दोनों ऊपर और नीचे समतल हो गया, और दोनों समतल भी है और सर्वांगसम भी है, और नीचे बीच वाला वक्र पृष्ठ हो गया। तो इस तरह इसमें 3 पृष्ठ होता है, तो इसे हम बेलन के नाम से जानते हैं, इसे हम बेलन के रूप में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। कुछ ऐसी आकृतियां भी होती है जिसमें कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता है, तो उसके बारे में जाने। अब जैसे ये देखिए, इस आकृति में एक वक्रीय फलक है, जैसे ऊपर वाला वक्र फलक है, मतलब वक्र पृष्ठ है, और नीचे वाला समतल फलक है, तो 2 फलक हो गया इसमें। तो इसे हम शंकु के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा जन्मदिन पर पहने जाने वाला टोप इसी तरह के दिखाई देता है, तो ये इसमें 2 फलक होते हैं, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। इसी तरह ये देखिए, इसमें
केवल एक ही फलक दिखता है, वो भी वक्रीय, तो वक्रीय फलक दिखता है यानी वक्र पृष्ठ ही दिखता है, तो ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। ये दिखने में गेंद जैसा होता है इसलिए गोला कहते हैं, ये इसकी इसका पिक्चर है। यदि गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है तो ये अर्धगोले के रूप में हो जाता है। इसमें दो, इसका अब दो फलक हो गया, ये तो वक्रीय फलक इधर वाला हो गया और ये ऊपर वाला जो कटा हुआ है तो वो समतल फलक हो गया। तो इसमें दो फलक हो गया, वक्रीय और समतल फलक। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो सभी के कोई दो दो उदाहरण सोचिए और लिखिए। तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें आपके घरों में फ्रिज आपको दिखता है ऐसे ही है, या किताब भी आपको ऐसे ही दिखता है, इसमें आपको पासा दिखाई देता है, लूडो का पासा जिसमें एक से लेकर छह तक होता है, दूसरा आइस क्यूब कह सकते हैं या रूबिक्स क्यूब जो आप बनाते हैं जिसमें एक तरह सजा मतलब एक कलर वाला एक साइड में मैच करते हैं, आपने बनाया होगा रूबिक्स क्यूब। बेलन का आप गिलास ले सकते हैं, गिलास है, बाल्टी है आपके घर में इस तरह का है, या वाटर बोतल है। और कोन के रूप में आप आइसक्रीम का कोन खाए होंगे, आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम का कोन खाए होंगे। भुट्टा भी होता है, वो भी कोन के शेप में होता है। बाल, ये बॉल जो है इसमें आप फुटबॉल ले सकते हैं, या और भी कई तरह के आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप फुटबॉल हो गया, बल्ब भी इसी कड़ी में आता है बल्ब। और अर्धगोले में आपका कटोरा हो गया, कटोरा है, टब है, घर में आपने देखा होगा टब आपके घरों में होता है ये टब। और दूसरा जो होता है टोपी, तो अर्धगोले के रूप में होता है। आइए अब कुछ और भी जानकारी दिया गया है। किसी ठोस और पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है, यानी किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसके सभी फलक, जितने भी फलक है उस सभी फलकों का योग कहलाता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग की इकाई का प्रयोग करेंगे, यानी किसी आकृति की ठोस आकृति में जितने फलक होंगे सभी फलकों का जो क्षेत्रफल होगा वो सभी फलकों का क्षेत्रफल जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और इन पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो इकाई होता है, इकाई दर्शाने के लिए द्विमीय आकृति है तो इसको वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई के रूप में लिखेंगे। किसी त्रिमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाता है। अब वो जगह कितना जगह घेरती है, कितना उसके अंदर किसी चीज को भरा जा सकता है, तो वो त्रिमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह द्वारा मतलब उसका आयतन कहलाता है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करेंगे, तो वो कितना जगह घेरेगा तो उसे हम आयतन कहेंगे। और आयतन को लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की इसमें बात की गई होती है, तो इसलिए त्रिमीय आकृति में इसका घन इकाई, त्रिमीय आकृति का आयतन जो होता है उसे हम घन इकाई के रूप में इसका मात्रक का यूज करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उनमें स्थित घन की इकाइयों को गिनते हैं। यहाँ जैसे हम वर्ग की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, इसमें घन की इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सवाल, उचित मिलान कीजिए। बीच से कटे हुए आधा नींबू, तो नींबू कैसा होता है, गोलाकार, तो गोला का अर्धगोला, तो इसका ये हो गया अर्धगोला। और जूते का डिब्बा घनाभ। फुटबॉल तो आप गोले के रूप में जानते हैं। लूडो का पासा घन के रूप में होता है। ट्यूबलाइट जो होता है बेलन के रूप में होता है। आइसक्रीम शंकु के रूप में होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।